राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जरूरी मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को प्रधान कार्यालय अजमेर रोड पर सैकड़ों की संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी एकत्रित हुए और वित्तीय सलाहकार रामगोपाल पारीक को ज्ञापन देने की कोशिश की, किंतु बीजेपी सरकार में हर धर्मिता के कारण हर विभाग या महकमे के अधिकारी भी मनमर्जी रवैया अपना रहे हैं। ऐसे में वित्तीय सलाहकार रामगोपाल पारीक ने राजस्थान रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारियों का ज्ञापन लेने से मना कर दिया और अपनी सीट से उठकर चले गए। वित्तीय सलाहकार रामगोपाल पारीक का कहना था कि मैं कैमरे के सामने आपका ज्ञापन नहीं लूंगा। पारीक साहब इतना बिफरे कि तुरंत अपनी सीट छोड़कर अनदेखे से हो गए। बाहर उनके कमरे के सामने राजस्थान रोडवेज के बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी उनके आने का इंतजार करने लगे, किंतु कई घंटे बीत जाने के बाद भी वित्तीय सलाहकार साहब नहीं पहुंचे। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि बीजेपी सरकार में जहां सीएम भजनलाल शर्मा खुद अपनी मनमर्जी की सरकार चला रहे हैं, वहीं पर उनके अधिकारीगण भी इनसे कम नजर नहीं आ रहे हैं और यह भी अपनी मनमर्जी रवैये के कारण फेमस होते जा रहे हैं। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लाइज एसोसिएशन के महासचिव हरगोविंद शर्मा ने बताया कि राजस्थान रोडवेज के पूर्व प्रबंधन की उपेक्षा की नीति के चलते अक्टूबर 2022 से फरवरी 2024 तक रिटायर्ड हुए 1055 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के साथ ही देय सेवानिवृत्ति परिलाभों तथा ग्रेजुएटी एवं उपार्जित अवकाशों का भुगतान नहीं किया गया है। रोडवेज के 5 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा जिसका RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन स्थायी घटक है, द्वारा विगत समय में किए गए निरंतर आंदोलन के दौरान प्रबंधन द्वारा प्रत्येक माह वेतन एवं पेंशन के साथ ही एक माह के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किए जाने का प्रावधान दिया जाता रहा है था, लेकिन इसे व्यवहार में लागू नहीं किया जा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रस्तावित 5 सितंबर 2023 की प्रदेश व्यापी हड़ताल के संदर्भ में संयुक्त मोर्चा एवं रोडवेज प्रबंधन के मध्य 3 सितंबर 2023 को हुई लिखित सहमति में भी रोडवेज प्रबंधन द्वारा प्रत्येक माह वेतन पेंशन के साथ एक माह के साथ सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने के लिए आश्वस्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी सेवानिवृत्ति परिलाभों के प्रति रोडवेज प्रबंधन की उपेक्षा नीति पूर्ववत जारी रही है, जिसके प्रत्येक माह भुगतान से वंचित कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शर्मा ने बताया कि द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 की धारा 73 और 73 में ग्रेजुएटी का भुगतान सेवानिवृत्ति दिनांक से 30 दिवस में किए जाने तथा ऐसा नहीं किए जाने पर 10% की दर से ब्याज सहित भुगतान किए जाने का मध्यकारी प्रावधान भी है। रोडवेज प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्ति परिलाभों तथा ग्रेजुएटी एवं उपार्जित अवकाशों का भुगतान नहीं करके रोडवेज पर अनावश्यक मुकदमेबाजी एवं आर्थिक दायित्व थोपा जा रहा है। अब तक का बकाया भुगतान मात्र लगभग 100 करोड़ का है, जो तत्काल दिया जाना नामुमकिन नहीं है। अतः अक्टूबर 2022 से फरवरी 2024 तक के सेवानिवृत्ति 1055 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभों तथा ग्रेजुएटी एवं उपार्जित अवकाशों का एक मुक्त भुगतान मार्च 2024 में ही करवाया जाए तथा आगे प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस को वेतन एवं पेंशन के साथ ही एक माह के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान सुनिश्चित करवाया जाए। शर्मा ने बताया कि इसके साथ ही अन्य कई समस्याएं भी हैं जिनका निराकरण के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। देखिए, रोडवेज में वेतन पेंशन समय पे नहीं मिलता, ये तो एक सवाल है, पर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो जाता है, जो 30 35 40 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर करता है, वो ये उम्मीद लेकर के जाता है कि रिटायरमेंट पे उसका जो भी पैसा बनता है वो उसको टाइम से मिल जाए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसको मिलता है क्या है? कुछ लोगों को, हमारे आधे लोगों को तो रोडवेज की पेंशन है, वो तो चलो 30-40 हज़ार पेंशन बन जाती है, पर आधे से ज़्यादा लोगों की हमारे CPF की पेंशन है, जिनकी 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये महीना पेंशन बनती है। तो 3000 रुपये महीने में दो बड्डे बढ़िया जीवन तो नहीं चला सकते। तो फिर उसका जो ग्रेचुटी का पैसा है, उसका जो अर्न लीव का, उपार्जित अवकाशों का पैसा है, वो समय पर मिल जाना चाहिए।
आज की सबसे बड़ी समस्या, बार बार निगम प्रशासन ने स्वीकार किया, हमने अनुरोध किया कि जैसे आप वेतन पेंशन हर महीने देते हो उसी तरह रिटायरमेंट का पेमेंट भी महीने का महीने दे देना चाहिए आपको, जैसे रिटायर हो उसका अगले महीने में उसको पैसा मिल जाना चाहिए। कानून भी ये कहता है, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में यह है कि 30 दिन के अंदर मजदूर को उसका ग्रेचुटी का पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो 10% ब्याज देना चाहिए इनको, ये कानून कहता है, ये मैं नहीं करूँ। इसके बावजूद भी हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल बेपरवाह बना हुआ है। अक्टूबर 22 से जो रिटायर हुए उन कर्मचारियों को एक धेले का भुगतान इन्होंने नहीं किया। करीब 1050 कर्मचारी हैं जिनका भुगतान यहाँ बकाया है, और उससे पहले भी जो 5-5 साल बाद पेमेंट किया, कानूनन उनको 10% ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए, वो ब्याज का भुगतान भी ये नहीं कर रहे। इसके अलावा ओपीएस लागू करी अभी रोडवेज में, ओपीएस के नाम पे इन्होंने बिना गणना सीट किए 20 लाख जमा करा दो, 15 लाख जमा करा दो, 23 लाख जमा करा दो, 25 लाख जमा करा दो। पेंशन लेनी थी लोगों ने, लाके घर से उधार लाके भी जमा करा दी, टाइम से पेंशन नहीं दी, गवर्नमेंट के ऑर्डर 1/4/23 से देने के, इन्होंने 3-3, 4-4 महीने बाद से पेंशन दी, और उनको आज भी ये नहीं बता रहे भाई तेरे से 23 लाख 25 लाख किस हिसाब से लिए हमने। और कई लोगों की ग्रेचुटी इन्होंने ले ली, बाद में वो पैसा जमा नहीं कराया तो ग्रेचुटी वापस लौटाने का कहा था, वो ग्रेचुटी वापस नहीं लौटा रहे। तो ग्रेचुटी ओपीएस के नाम पे भी इन्होंने लूट खसोट मचा के अपना खजाना भर के, और हमें तो यहाँ तक चर्चा है कि किसी निजी बैंक में वो उन पैसों को इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने डाला हुआ है, जबकि उसकी रिस्क की कोई गारंटी नहीं होती निजी बैंकों की, बल्कि पब्लिक सेक्टर के बैंक में जाना चाहिए था पैसा, पर निजी बैंकों में भी पैसे का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एक है दूसरा सवाल हायर पेंशन का, आधे से ज्यादा कर्मचारी सीपीएफ की पेंशन के मेंबर है, बोलचाल में हम सीपीएफ पेंशन बोलते हैं, ईपीएस 95 उसका एक्चुअल नाम है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसके तहत न्यूनतम पेंशन 1000 और अधिकतम पेंशन 3-3.5 हजार रुपये बनती है। उसके जो लोगों ने हायर पेंशन के फार्म भरे थे वो फार्म इनके पास आए, इनको उन फार्मों को अपडेट करके वे डिटेल भेज के वहाँ भेजना था ईपीएफ को, इन्होंने नहीं भेजा। वो तो सहयोग की बात है, 31 दिसंबर की तारीख बढ़ाई के केंद्र सरकार ने 31 मई कर दी, हम फिर कह रहे हैं 31 मई तक तो भेज दो, आज की तारीख में भी ये बिल्कुल उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, वहाँ नहीं भेज रहे। और यहाँ तक कि वहाँ जो भेज दिए फार्म उनमें कुछ क्वेरी जाएगी, स्वाभाविक बात है पूरा करके नहीं भेजोगे तो कोई कमी आ जाएगी, उसका ये जवाब भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ से हम वित्तीय सलाहकार से मिल लिए, वित्तीय सलाहकार भी कोई रुचि नहीं लेते, 4 लाइन के नीचे वालों को चिट्ठी जारी करते हैं, जवाब भेज दो। अरे उनसे जवाब जाता तो आपसे क्यों पूछते, ये हेड ऑफिस वाले खुद नहीं बता रहे कि उन सवालों का क्या जवाब है, वो डॉक्यूमेंट्स रहे ये डॉक्यूमेंट नहीं भेज रहे, इस तरह की बहुत सारी समस्या है। तो इन सवालों को लेकर के आज हमने प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया है, सब डिपोज में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जयपुर के साथियों ने हेड ऑफिस में किया, हमने ज्ञापन डाक से भेजा, आज ईडीए महोदय से मिलकर हम ज्ञापन देंगे, अपनी बात कही। हरगोविंद शर्मा महासचिव RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन।